हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अमित कामले आप सभी का वेलकम करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पोल्टीजोन व्लॉग में। तो हमारा आज का टॉपिक है पाइपलाइन क्लीनिंग एंड वाइट वॉश। तो मैं फ्यूमिगेशन पे अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो मैं रिसेंटली अपडेट कर दूंगा। तो हमारे फॉर्म पे 80% डिसीज़ तो वाटर इंटेक से ही आती है। जब हम टैंक में लिक्विड फॉर्म में या पाउडर फॉर्म पे जो मेडिसिन डालते हैं, जब हमारे मेन पाइपलाइन से जो मेडिसिन चली जाती है चिपक के वैसी रहती है। जब हम पाइपलाइन क्लियर करने के लिए जाते हैं तब वो प्रॉपर तरीके से वो क्लियर नहीं होती है। फिर क्लियर होने ना होने की वजह से हमारे फॉर्म पे बैक्टीरियल डिजीज़ आती है। तो चलिए हम पाइपलाइन कैसे क्लीन करें। तो ये केमिन नाम की मेडिसिन है, तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। इसको हमें पानी में 2.5 ml के हिसाब से 10 लीटर वाटर में डिजोल्व करना है, और इसको रात भर हमें वैसी पाइपलाइन में छोड़ना है। फिर दूसरे दिन हमको उसको प्रेशर पाइप के मदद से 20 मिनट तक उसको एडजस्ट करना है। अगर आपके रिटेल शॉप में अगर ये मेडिसिन अवेलेबल नहीं है तो आप ब्लीचिंग पाउडर, अच्छे अच्छे क्वालिटी का आप ब्लीचिंग पाउडर भी यूज़ कर सकती है। उससे भी आपकी पाइपलाइन अच्छी तरह से क्लीन होती है। उससे भी मैंने अभी तक के लॉट में ब्लीचिंग पाउडर ही यूज़ की है। मुझे अभी तक मेरे लॉट में अभी तक मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं आई। तो आप ब्लीचिंग पाउडर का भी यूज कर सकती है। ये थोड़ी एक्सपेंसिव मेडिसिन है, 5 लीटर की है, 1900 रुपये में आई है। तो आप जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने पाइपलाइन क्लियर कैसे करना है वो बताया है। तो अब वाइट वॉश कैसे करना है तो आप देखेंगे। तो पहले अच्छी तरह से हमें अपना फ्लोर डिटर्जेंट पाउडर से अच्छे से ऐसे क्लीन करना है। उसके बाद हमें फ्लोर क्लियर करते समय पाइप से हमें जाली और कर्टन अच्छे तरह से क्लियर करना है। उसके बाद हमें हमारे फॉर्म का 2000 स्क्वेयर फीट में पार्टीशन करना है। 2000 स्क्वेयर फीट के, तो 2000 स्क्वेयर फीट के में हमें 200 लीटर वाटर में हमें 20 kg चूना और 1.5 लीटर फॉर्मेलिंग और 1 लीटर हमें डीजल लेना है, और उसको अच्छी तरह से मिक्स करके हमें हमारे फॉर्म पे अच्छी तरह से फैलाना है। तो इसी तरह से हमें वाइट वॉश और पाइप क्लीनिंग करनी है, और हमें अच्छी तरह से बैच निकालनी है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ।